Protests tonight across Russia, in more than 50 cities, according to an NGO. दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच की इस जंग में भले ही रूस जीतता नजर आ रहा है, लेकिन अपने घर की जंग को जिस कदर हार रहा है कि शायद इससे कभी बाहर निकल पाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूस के अंदर आई आर्थिक तबाही की, जो रूस से सुपर पावर की गद्दी छीन सकता है। हमारे देश में नोटबंदी के दिनों को याद कीजिए दोस्तों। आज रूस में कुछ ऐसी भीड़ एटीएम के बाहर लग रही है। अफरा तफरी में लोग इलेक्ट्रॉनिक सामानों की खरीदारी कर रहे हैं जिसे वो बाद में बेच सके, क्योंकि रूस की करेंसी रूबल लगातार नीचे गिर रही है और महंगाई का ग्राफ आसमान छूता जा रहा है। $1 की कीमत 130 रूसी रूबल से भी ज्यादा हो गई है, यानी कि डॉलर के मुकाबले रूबल हमारे देश के रुपए से भी बेहद कमजोर हो गया है। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर आज बर्बादी की कगार पर कैसे पहुंच गया, और यूरोप और अमेरिका की इसमें क्या मिली भगत है? इन सभी का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। रूस की इस आर्थिक तबाही की कहानी तभी से शुरू हो गई थी जब उसने जंग में शामिल होने का फैसला किया था। सेंटर फॉर इकोनॉमिक रिकवरी ने अपनी एक रिपोर्ट में यह बताया कि जंग की शुरुआत के 4 दिनों में $7 बिलियन खर्च करने वाला रूस आज हर दिन गाहे बगाहे $20 बिलियन का नुकसान झेल रहा है। जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से ही रूस का शेयर बाजार बंद है, क्योंकि रूस को पता है कि अगर एक बार भी शेयर बाजार खुलेगा तो सीधे धड़ाम से गिरेगा और रूस की इकोनॉमी और ज्यादा चोटिल होगी। और इन सारे नुकसानों की जो सबसे बड़ी वजह है वो है दुनिया भर में रूस का विरोध, ऐसा विरोध जो उसे नुकसान पहुंचा रहा है। इसे समझने के लिए हम आपको 2 हिस्सों में ये बात समझाएंगे। सबसे पहले तो रूस के ऊपर जो भी प्रतिबंध यानी कि सैंक्शंस दुनिया भर के देशों की सरकारों ने लगाए हैं, और दूसरा इन सरकारों से प्रभावित होकर जो प्रतिबंध दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज ने लगाए हैं। हम सबसे पहले बात शुरू करेंगे उन प्रतिबंधों की जो दुनिया भर के देशों की सरकारों ने रूस पर लगाए हैं। इनमें सबसे बड़ा है स्विफ्ट ब्लॉक, यानी कि रूस को स्विफ्ट सिस्टम से ब्लॉक कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्विफ्ट ब्लॉक क्या है। ये सिस्टम एक देश से दूसरे देश को भेजे जाने वाले पैसे के लेन देन को आसान बनाता है। इस सिस्टम को 200 देशों के लगभग 11,000 से भी ज्यादा इंस्टीट्यूशंस फॉलो करते हैं। स्विफ्ट का पूरा मतलब है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे हम अपने किसी दोस्त के बैंक अकाउंट में पैसे भेजने के लिए IFSC कोड का इस्तेमाल करते हैं। स्विफ्ट सिस्टम का भी एक कोड होता है जिसकी मदद से इस बात का पता लगा लिया जाता है कि पैसे को किस देश के किस बैंक की किस ब्रांच में भेजा गया है। अब रूस को सिस्टम से भी हटा दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि रूस के बैंक अब ना तो किसी देश को पैसा दे सकते हैं और ना ही किसी देश से पैसे ले सकते हैं। इसका दूसरा मतलब ये भी हुआ कि रूस से बाहर रूस के जो भी लोग रह रहे हैं वो अपने घर पर ना तो पैसे भेज सकते हैं और ना ही रूस में बैठा कोई शख्स अपने देश से बाहर किसी को पैसे भेज सकता है। यानी ये एक बड़ा झटका है रूस की अर्थव्यवस्था के लिए। इसके अलावा 33 देशों ने रूस के जहाजों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, यानी रूस के जहाज ना तो इन देशों में जा सकते हैं और ना ही इनके रास्ते से होकर किसी और देश जा सकते हैं। इससे ये हुआ कि विदेशों में करीब 1.5 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स या फिर टूरिस्ट फंस गए जो घूमने गए हुए थे। इन सब से निकलकर जो दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि रूस के सेंट्रल बैंक के एसेट्स यानी कि उसकी पूंजी को फ्रीज कर दिया गया है। इसे आप ऐसे समझिए कि हर देश की सेंट्रल बैंक, जैसे कि अपने देश की रिजर्व बैंक जो होती है, वहाँ हर देश की कुछ करेंसीज रखी जाती है ताकि उस देश से ट्रांजेक्शन किया जा सके। ऐसे ही रूस के सरकारी बैंक है उससे लेन देन पर अमेरिका ने बैन लगा दिया है, यानी रूस के केंद्रीय बैंक में रखा डॉलर अब किसी काम करेंगे। और ऐसा करने वाला अमेरिका अकेला देश नहीं है दोस्तों। इन देशों में जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान और यूरोपीय संघ जैसी शक्तियां शामिल हैं। इससे रूस का काफी नुकसान होगा। वैसे खबर तो ये भी है कि शायद भारत रूस को इस संकट से निकालने में मदद कर सकता है। और रूबल और डॉलर का जो व्यापार होता रहा है वो व्यापार रुपया और रूबल के बीच का व्यापार हो जाए। लेकिन भारत के इस कदम को अमेरिका भी ध्यान से देख रहा होगा, और ये काम बिना किसी परेशानी के तभी संभव है जब अमेरिका इस पर अपनी नजरें ना टेढ़ी करे। अब हम आपको बताते हैं उस दूसरे पहलू के बारे में जिसकी बात हमने ऊपर की थी, यानी कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां कैसे रूस को कमजोर समझ रही हैं। असल में रूस पर प्रतिबंध सिर्फ इन देशों ने नहीं लगाया है, बल्कि कई बड़ी कंपनियां भी यहाँ से भाग रही हैं। नेटफ्लिक्स ने जहाँ इस देश में नए यूजर्स लेने बंद कर दिए हैं, वहीं ऊपर हमने जो बताया कि करीब 33 देशों ने एयर स्पेस बंद कर दिया है, उसका एक असर ये हुआ कि बोइंग और एयरबस जैसी बड़ी जहाज बनाने वाली कंपनीज ने रूस को नए स्पेयर पार्ट्स देने से मना कर दिया है। यानी कि रूस को अपने प्लेन्स को रिपेयर करने में भी दिक्कतें आएंगी।
बड़ी बड़ी कार कंपनीज जैसे कि टोयोटा, बीएमडब्ल्यू ने कार के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है, तो वहीं माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनियां भी रूस में अपने एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन को बंद कर रही है। यानी कि जिन चीजों की हमें रोजाना जरूरत होती है उन सभी की अब रूस में कमी पड़ने वाली है, और ये सब हो रहा है रूस की जिद्दी जंग की वजह से। ये तो हो गई वो बातें जिनसे हमें समझ आता है कि रूस पर इस जंग का क्या असर पड़ रहा है। और आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये प्रतिबंध लगाए क्यों जाते हैं और इससे असर क्या पड़ता है। खैर, असर की बात तो हम आपको बता चुके हैं, अब जान लीजिए कि ये प्रतिबंध क्यों लगाए जाते हैं। असल में प्रतिबंध यानी कि सैंक्शन पिछले कुछ सालों में विदेश नीति में एक कामयाब टूल बनकर उभरा है। इस टूल के जरिए एक देश के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। अगर वो देश किसी सीरियस इंटरनेशनल लॉ को तोड़ रहे हो या फिर कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे कि दूसरे देशों के रिश्तों पर असर पड़ता हो। आज एक ऐसा तबका है जो इस नीति को बेअसर मानता है, लेकिन एक दूसरा बड़ा हिस्सा भी है जो ये मानता है कि इन प्रतिबंधों से काफी असर पड़ता है। अमेरिका ने तो पिछले कुछ समय में इन सैंक्शंस को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, फिर चाहे वो नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कार्रवाई हो या फिर ईरान के खिलाफ। ये प्रतिबंध ज्यादातर देश की अर्थव्यवस्था को टारगेट करते हैं, क्योंकि किसी देश की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ने का मतलब है कि वो देश विकास की गति में दशकों पीछे जा सकता है, जिसकी रिकवरी बड़ी मुश्किल हो जाती है। आज रूस में जिस तरह के हालात हैं, जाहिर तौर पर वो रूस की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देगा। ऐसा भी हो सकता है कि जिस रूस को हम कभी अमेरिका के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में जानते थे, शायद उसकी जगह पर चीन बैठ जाएगा। कुल मिलाकर बात ये कही जा सकती है कि जंग कितना ही बड़ा देश लड़ रहा हो, घुटनों पर सबको आना पड़ता है। रूस जैसी महाशक्ति के जैसे हालात हैं, वो एक सबसे बड़ा संदेश यही देता है दोस्तों कि जंग से किसी का भला नहीं हो सकता। बॉर्डर भले जीत जाए लेकिन देश कई मोर्चों पर हार जाता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।